आज से ही शुभ शुरुआत हो चुकी है, इस बात को आप लिख कर ले लो। आपकी वापसी बहुत सारे लोगों को ना बहुत ज़्यादा चकित कर देने वाली है और बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देने वाली है जब आप अपने पावर्स में वापस लौटने वाले हैं। ये जो सावन है आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आया है। आज डिवाइन आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आने वाली है, बहुत सारे गिफ्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये सावन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल्स रहने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है। ये सावन आपके लिए ना बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाले हैं, इस बात को आज आप जान लें। आपकी सुनहरी जीत के लिए ना अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि आपका अच्छा समय अब आने वाला है। शुभ शुरुआत अब हो चुकी है, तो फिर देर किस बात की, जिनकी किस्मत बदलने वाली है केवल वही और वही आज इस दिव्य संदेश को ना अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, और यही उनके लिए बहुत बड़ा संकेत होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाला है जो बहुत ज़्यादा ना आपको चाहिए था, आपको इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में सच में आने वाला है। ठीक है, ये स्पेशल है, सावन स्पेशल्स मैसेज हैं जो हम आज एंजल्स टाउनर से लेंगे, और मुझे यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर मुझे सुनाई दे रही है कि आप सब के लिए ना सच में ये जो सावन है ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर आने वाला है। ठीक है, बहुत सारी खुशियों को लेकर आने वाला है। आप ना यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ना इन्जॉय करने वाले हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो बोरिंग लाइफ चल रही थी ना आपकी, अब आप खुलकर जीने वाले हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्जॉय दिख रहा है, मतलब मस्ती खुशी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप मस्ती मजाक करने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले हैं। ये पूरा सावन का महीना आपके लिए ना बहुत ज़्यादा स्पेशल्स रहने वाले हैं, और कुछ गिफ्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं, वो डिवाइन के थ्रू मिलेगा आपको। ठीक है, डिवाइन आपको कुछ ऐसे गिफ्ट्स देने वाले हैं जो बहुत ही स्पेशल्स होगा। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे और भी सुनाई दे रहा है, सबके लिए नहीं हो सकता है, बहुत ही स्पेसिफिक आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गली आया है। आपके पास बहुत सारे प्रपोज़ल आने वाले हैं। ठीक है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन आप जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हो ना, आप सबके पास बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के ठीक है, लोगों के प्रपोज़ल आएंगे। हो सकता है आप सिंगल हैं तो आप मैरिड हो जाएं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर सुनाया दे रहा है। और आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छी, सारे गिले शिकवे जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, रुटना मनाना चल रहा था, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें अच्छी नहीं थी, ठीक है, अनबैलेंस थी, वो चीज़ें बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। और बहुत सारे लोगों के लिए तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैरिज के प्रपोज़ल आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की ना शादी ठीक हो सकती है किसी के अच्छे इंसान के साथ, ये चीज़ यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। तो ये सावन है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल्स आपके लिए कुछ लेकर आया है, तो रेडी रहे। ठीक है, मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है स्पेशल सावन, स्पेशल और सावन में कुछ बहुत स्पेशल आप सबके लिए होने वाला है। ठीक है, कोई गिफ्ट्स ऐसे मिलने वाले हैं जो डिवाइन की तरफ से होगा आपके लिए, और ये गिफ्ट्स बहुत स्पेशल होंगे, ये डिवाइन की तरफ से। ओके, तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में ना अभी इस वक्त सावन से रिलेटेड डिवाइन एंजल्स आपके स्पिरिट्स क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ये इस वाले डेक से लेंगे। ओके, ये वाला ले लेते हैं। ओके, आप ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को अनदेखा कर रहे हैं, तो आप ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को ना देख नहीं रहे हैं, जो ईश्वर ने आपको दिया है। ठीक है, आप उसे बहुत ज़्यादा अनदेखा कर रहे हो। आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें मिली है जो ये ब्लेसिंग के तौर पर आपके जीवन में काम कर सकती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ना आपको उस लेवल पर ले जा सकती है जहाँ पर आप जाना चाहते हो। ठीक है, ऑलरेडी परमपिता परमेश्वर आपके स्पिरिट्स ने वो ब्लेसिंग आपको दिया है, एज अ गॉड गिफ्टेड आपको ऐसा कोई टैलेंट मिला है जिसे आप यूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे समझ आ रही है, लेकिन आप उसे ना अनदेखा कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं उसे अनदेखा ना करे, जो मैंने तुम्हें दिया है ना उसका यूज़ करे, दिमाग लगाए, अपना ध्यान से देखे, तुम्हारे पास वो चीज़ पहले से ही है, और अगर तुम उसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है, उस पर कार्य करोगे, तो तुम बहुत आगे तक जाओगे, उसे अनदेखा ना करें। देखें आप किस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही स्पेसिफिक आया और मुझे बहुत अच्छा लगा है।
होता है लोगों के पास ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, टैलेंट्स होते हैं, गॉड गिफ्टेड टैलेंट होते हैं, लेकिन वो ना उस चीज़ को तरफ ध्यान ही नहीं देते, वो किसी और की तरफ जाते हैं, किसी और चीज़ों पर उनका इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन जो चीज़ें परमात्मा ने आपको पहले से दिया होता है ना, आप वहाँ देखना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं ऑलरेडी वो ब्लेसिंग आपके लाइफ में है, मैंने तुम्हें वो दिया है, उस पर ध्यान दो, आप उसे अनदेखा कर रहे हो, तो ना करें अनदेखा, ठीक है। और ले लेते हैं, किसी को आपकी ऑथेंटिक से डर लगने लगा है, ठीक है। आपके पावर से आपने जो एक ओदा अपने लाइफ में लाया है, ठीक है, एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति, तो बहुत सारे लोगों को ना उससे डर लगने लगा है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है जो आपके पीछे बहुत ज़्यादा हाथ धोकर पड़े ही रहते हैं, आपको परेशान करने के लिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैस करने के लिए, लेकिन ना हो सकता है अब वो आपको देखकर ना बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है। उनको आपके पावर्स को देखकर, आपके ऑथेंटिक एक पर्सनैलिटी को देखकर ना वो लोग वो बहुत ज़्यादा डरे हुए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, और डरे ही रहे, आप तो अपने पावर्स में आओगे ही, और बहुत सारे लोगों को ना दिखा दोगे कि आप हैं क्या। और यहाँ पर देखो एक सॉन्ग भी आया है जो कि बहुत प्यारा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं रुक जाना नहीं तू कभी हार से। जो चीज़ आप कर रहे हो या जो डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रही है, जो डिवाइन ने आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग दिया है ना, अगर आप उस पर काम करने लगोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और डिवाइन आपको ब्लेस कर रही है रुक जाना नहीं तू कभी हार के, ठीक है। आपको कह रही कि तुम्हें कभी रुकना नहीं है हार के, तुम हार के लिए ही आए नहीं हो इस धारा पर, तुम जीत के लिए इस धारा पर आए हो और तुम जीतते ही रहोगे, ठीक है। यू आर मिस्टीरियस, तो कोई शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझते हैं, रहस्यमयी समझते हैं, ठीक है। आप सबके समझ से बाहर है, बहुत जल्दी आपको समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है किसी को, ठीक है। ओके, ये वाला लेते हैं, टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम दिस लाइफ। आपकी लाइफ से ना टॉक्सिक पीपल को ना गेट आउट किया जा रहा है, ठीक है, उन्हें मतलब भगाया जा रहा है। कह रहे हैं कि तुम्हारा अब क्या काम, निकलो भागो, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं निकलो भागो। ओहो, मैरिज प्रपोजल, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना मैरिज के प्रपोजल आने वाले, ठीक है। अगर आप सिंगल है ना, हो सकता है आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी आप सिंगल ना रहें, आपके पार्टनर, आपके सोलमेट बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कोई सिंगल देख रहा है, तो हो सकता है आप सिंगल अब ना रहे, आपकी शादी हो सकता है बहुत जल्दी किसी अच्छे घर में हो, ठीक है। आपके सोलमेट्स जो आपके डेस्टिनी में लिखे हुए थे, वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले। मैंने क्या कहा था, सावन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल्स रहने वाला है। लॉयल फीमेल, ठीक है, लॉयल फीमेल आया है किसी के लिए, देख लीजिए आप कि मम्मा है, काइंड हार्टेड हैं आप, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं आप, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को इसीलिए आप ना आकर्षित कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक और आया है इसी के साथ, नई ऊंचाइयां की तरफ बढ़ते कदम, आप ना अपनी नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। एक नई ऊंचाई की तरफ आपके कदम आप बढ़ रहे हैं, और वहाँ से ना आप अपने कदम को पीछे नहीं कर सकते हो, शायद इसीलिए ये इतना सुंदर ब्यूटीफुल सा सॉन्ग आया था रुक जाना नहीं तू कभी यार के, क्योंकि आप एक नई ऊंचाई की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो उसे बढ़ाते ही रहना, पीछे मुड़कर अब नहीं देखना है, ये चीज़ आज के डिवाइन कह रहे हैं। एक और आया है, दिस नेगेटिव पर्सन इज शॉक्ड टू सी यू अनलॉक योर स्पिरिचुअल पावर एंड गिफ्ट्स। तो कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, ठीक है, और आपके स्पिरिचुअल पावर्स को जिन्होंने लॉक किया था ना, अब वो अनलॉक हो चुका है, और आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ना गिफ्ट्स आने वाले, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइन के ब्लेसिंग आने वाले हैं, क्योंकि आपके पावर्स को ना यहाँ पर डिवाइन ने अनलॉक कर दिया, ठीक है। हो सकता है आपके पावर्स को लॉक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई, हो सकता है पास्ट में ऐसे करने पर वो कामयाब भी हुए, लेकिन अब डिवाइन ये चीज़ कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा शॉक में है, क्योंकि उनके सभी नेगेटिव चीज़ जो आप पर करी गई थी वो चीज़ फेल हो गई है, और आप अनलॉक हो चुके हो अपने पावर से, और ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में देख रही हूँ मैं गिफ्ट्स आने वाले हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शॉक में। दिस नेगेटिव पर्सन इज शॉक टू सी यू अनलॉक योर स्पिरिचुअल पावर एंड गिफ्ट्स। वाओ, बहुत ही प्यारा मैसेज आया है डिवाइन का, होना भी चाहिए।
यू आर डाउन टू अर्थ प्योरफुल सोल। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना अच्छे काम करते हैं, अच्छे सोल हैं आप, ठीक है। और आया है ये वाला, लेते हैं। आपके एनिमीज आप पर हंस रहे हैं और ईश्वर आपके एनिमीज पर हंस रहे हैं। कितना प्यारा आया है ना। आपके एनिमीज जो आपके हेटर्स हैं ना, वो आप पर हंस रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर ईश्वर उनके ऊपर हंस रहे हैं। और अगर वो हंस रहे हैं तो सोच लो वो क्यों हंस रहे होंगे, ईश्वर उनके ऊपर क्यों हंस रहे होंगे। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे हैं आज। ज़रूर से क्लेम करें, 222 लिख करना, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर से बोले, ठीक है। हर हर महादेव लिखे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः श्री राधे राधे, ज़रूर से कमेंट में लिखे। ओके, ट्विन फ्लेम, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, हो सकता है। और देख लेते हैं, दिस मैसेज इज डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, लिसन एवरी वर्ड्स केयरफुली, ठीक है। ये डबल कंफर्मेशन हो गया, ये जो मैसेज मैं आज आपको दे रही हूँ ये डिवाइन की तरफ से आया है, डायरेक्टली डिवाइन गॉड्स की तरफ से आया है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जाया है, हर एक शब्द को ना अच्छे से सुने, अच्छे से समझे, क्योंकि इसमें आज जो भी मैसेज आए हैं वो एकदम 100% सत्य है। आपके जीवन में ये सारी चीज़ें होने वाली है, आपके जीवन से ही ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, ठीक है। आई वॉज सीक्रेटली, हो सकता है ना कोई हैं ऐसे लोग, ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा एक भी हो सकता है, ठीक है, तो वो ना आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली वॉच करते हैं, दिखाते नहीं हैं, आपको जताते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ मैं कह सकती हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको सीक्रेटली वॉच कर रहे हैं। ओके, और आया है ये वाले, ले लेते हैं इसका, ले लेते हैं लास्ट वाला। योर एंसेस्टर्स आर अट्रैक्ट योर एनिमीज हेटर्स, आपके एंसेस्टर्स ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं आपके हेटर्स और एनिमीज में, वो बहुत ज़्यादा उन पर एक होता है ना कि उग्र स्वभाव, एक उग्र रूप से, रुद्र रूप से ना उनके ऊपर अटैक करने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर 222 मुझे दिखा है, यहाँ पर डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपके पीठ पीछे किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश करी और अब आपके एनिमीज और हेटर्स की खैर नहीं, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं ना, वो उग्र रुद्र रूप में उनके ऊपर प्रहार करने वाली हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि पता है क्यों गुस्से में, ये मैसेज मुझे यहाँ पर एकदम क्लियर कर रहा है। दैट स्पेल ग्रैब जेड स्पेल एंड स्पेल वर्क, बहुत सारे स्पेल वगैरह आपके ऊपर किए जा रहे थे, जिसकी वजह से आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर उग्र क्रुद्ध रूप से उनके ऊपर प्रहार करने वाली, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत करी और अब उसका फल उन्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, सावन स्पेशल है, सावन में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे ना तब आपके साथ ये रेजोनेट होगी। ऐसा नहीं है कि सावन सावन के लिए, आप जब देखोगे तब आपके साथ ये रेजोनेट होगी। प्रोटेक्टिंग एंड कैरिंग, अब आपके जो ईश्वर हैं, आपके जो परमात्मा हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग और केयर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपकी शक्तियों को भी चुराना चाहते थे, ठीक है, पावर्स को चुराना चाहते थे अपने फ़ायदे के लिए, आपके पावर्स को ब्लॉक करना चाहते थे, ठीक है। बहुत सारे लोग ये करना चाह रहे थे, हो सकता है पास्ट में वो कर भी पाए, सक्सेसफुल हुए थे उसमें, लेकिन अब आपके सारे पावर्स अनलॉक कर दिए गए हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा केयर मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, और अब आपके सारे स्पेल वगैरह जो आपके ऊपर किए गए थे वो बैकफायर कर दिए गए हैं, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन पर क्रोधित हो चुके हैं, और वो होते हैं ना कि शेर, खूंखार शेर कैसे अपने शिकारी पर कूद पड़ता है, वैसे आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो उन पर हमला बोलने वाले हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, ठीक है। यहाँ पर मोर का पंख आया है, ये मैं हमेशा रखती हूँ शायद इसीलिए, मोर का पंख, और देख लेते हैं। Want to steal your money, आपके मनी को कोई ब्लॉक करना चाह रहा था, ठीक है। आपके मनी पर किसी की नज़र है, बुरी नज़र, वो आपके धन पर अपनी नज़र गड़ाए रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आई है यहाँ पर, बहुत गंदे लोग हैं, मुझे तुम मनाने क्यों नहीं आए,
हो सकता है या आई, आप किसी को मनाने नहीं गए, आप अपने ही पावर्स में हो, अपने ही ऑथेंटिक पावर्स पर्सनैलिटी में है, तो अब आप किसी के प्रति आप वैसा भाव नहीं रखते कि आप झुक जाओ, ठीक है, किसी को सॉरी बोलो। ये मैं ईगो नहीं कहूँगी, आपका ना एक होता है ना कि आत्मसम्मान की बात जहाँ आ जाती है वहाँ पर लोग ईगो का नाम दे देते हैं कि ईगो आ गया। नहीं, आपके अंदर एक आत्मसम्मान, अब आप सोचते हो कि मेरी वैल्यू जो नहीं करेगा मैं उसकी वैल्यू क्यों करूँ, ठीक है, ये चीज़ें आप सोचने लगे हो, अपने आत्मसम्मान को आप ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हो। तो कुछ लोग ना अभी भी ईगो में हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने ईगो से बाहर आएंगे और आपको सॉरी बोलेंगे और बोलेंगे कि हाँ गलती हुई है, ठीक है, ये मैसेज देखकर मुझे ये चीज़ समझ आई। कुछ लोग अभी भी ईगो में हैं और वो आपको ईगो कहते हैं कि ईगोस्टिक हो चुके हैं ये, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अपने आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त रक्षा कर रहे हो और आप ऐसा ही अब करोगे। अब आप किसी के प्रति वो भाव ही नहीं रखते कि आप झुक कर किसी को सॉरी बोलो, किसी से बोलो कि माफ़ कर दो, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। नो, आप ऐसे पावर्स वाले ऐसे पर्सनैलिटी में है ही नहीं, क्योंकि आप एक अलग ही पावर्स को ना अपने अपने एनर्जी अपने पावर्स को ना एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं एक साथ, ना 3-4 मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं एक साथ 3-4 मैसेज रीड करूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मुझे आज पता नहीं डिवाइन क्यों 3-4 मैसेज एक साथ मुझे यहाँ पर भेजे। मैं लेती एक हूँ, आ जाती हैं 3-4, या ले लेते हैं, नहीं ये फर्स्ट टाइम आया था ना, इसको ले लेते। जिसने आप जिसे आपने खुद मैनिफेस्ट किया वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपने हो सकता है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है खुद से, तो वो खुद से ही आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ भी आप करने की ज़रूरत नहीं है, आप अब कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। आपने जिसे खुद से मैनिफेस्ट किया वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये बात डिवाइन ने क्लियर कर दी। यहाँ पर कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, खुद से ही आ रहा है बिना किसी मेहनत के, ठीक है। अब तो आप मतलब भूल चुके हो शायद, आपको पता नहीं है, लेकिन वो खुद से ही आ रहा है। ये वाला ले लेते हैं, ये वाला इसके साथ ही आया था। इट्स योर सीज़न टू बी रिच। तो मैंने क्या कहा था, सावन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, तो ये सीज़न आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, ये वाला देख लेते हैं। कोई बस आपके बारे में ही सोचता रहता है, आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, दिन रात उनके मन में, जहन में, ठीक है, ख्वाबों में, सपनों में, बस आप ही आप छाए हुए हैं। कोई बस और बस आपके बारे में सोचता रहता है, ठीक है। आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्यों कर रहे हैं मैनिफेस्ट पता है आपको, क्योंकि दिन रात ना उनके दिमाग में, ना उनके मन में, उनके जहन में बस आप ही आप छाए हुए हो। आपके हेटर्स को किसी ने कहा है Not to miss this your energy, ठीक है। आपके haters को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। आपके haters को कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मना किया है, ठीक है, कि आपसे पंगा ना ले, आपकी एनर्जी से पंगा ना ले, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका सर्वनाश निश्चित हो चुका है, ठीक है। तो किसी ने हो सकता है मना किया है कि अपने कदम पीछे कर लो, इनसे पंगा लेना, परमपिता परमेश्वर से पंगा लेना, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ये इंसान ऐसा वैसा इंसान नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परमेश्वर की कृपा है, ये परमेश्वर के बहुत ज़्यादा स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत सारी ऐसी बातें उसे कही गई है, लेकिन देखो आगे क्या होता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर मुझे यही चीज़ यहाँ पर समझ आ रही है, आपके हेटर्स को किसी ने कहा है नॉट मिस दिस योर एनर्जी, ठीक है। आपकी एनर्जी के साथ भी खिलवाड़ ना करे, आपके लाइफ के साथ आपसे दूर रहे, वही उनके लिए सही है, वही उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। लव योर वॉइस, आपकी वॉइस किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकती है आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा मीठी हो, क्यूट हो, तो आपकी वॉइस किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, ठीक है। ओके, उनकी बद्दुआ उन्हें तबाह कर रही है, किसी की बद्दुआ उन्हें बहुत ज़्यादा तबाह कर रही है, ठीक है। दो बद्दुआ, तुम्हें ही वो बद्दुआ तबाह करेगी, किसी ऐसे इंसान को दोगे जिसकी कोई गलती नहीं है, जलन में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। एक तो बद्दुआ दे दी, अब जलन में भी आ चुके हैं, तो उनकी ज़िंदगी तो तबाह तबाह तबाही हो चुकी है भाई। और यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि 1444 यू आर प्रोटेक्टेड, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते जा रहे हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ना डिवाइन यहाँ पर ये दो बार मैसेज आया है, प्रोटेक्टेड इन कैरिंग भी आया था
और फिर से आया है योर प्रोटेक्टेड, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एंड केयरिंग, डिवाइन आपको केयर कर रहे हैं, आपको एक ऐसे एनर्जी शील्ड में डाल रहे हैं जहाँ से लोग ना आपको बिल्कुल भी हार्म ना कर पाए, ऐसे लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो अब उनकी खैर नहीं। यहाँ पर मैरिज प्रपोजल आए हैं, ठीक है, फॉर अ वॉन्स, वॉन्स नहीं कहूँगी, ये कार्ड नहीं आया है, मैरिज का कार्ड आया है यहाँ पर, किसी की शादी तो पक्की है। यहाँ पर 222 फिर से आया है, 222 लिख कर ज़रूर से थैंक यू बोलें, ठीक है, आप में से किसी की ना बहुत जल्दी शादी होने वाली है, या शादी से अनएक्सपेक्टेड बूम योर इनकम हो सकती है, शादी भी होने वाली है और आपके इनकम में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सफलता की एक नई ऊंचाई को आप छूने वाले हो। आया था ना नई ऊंचाइयों की तरफ एक नई कदम बढ़ते हुए, ऐसे कुछ आया था, तो आप एक नई ऊंचाई की तरफ ही बढ़ रहे हो, एक नए कदम की ओर, अपना एक नई ऊंचाई की तरफ एक नए कदम अपने आगे बढ़ा रहे हो। ओके यार देख लेते हैं, आई एम अडेक्टेड टू यू, किसी को आपकी आदत लग चुकी है भाई, क्या कर दिया आपने, बहुत रोमांटिक मैसेज भी आए हैं आज, इन्फिनाइट अबंडेंस, वाओ आपके पास ना इन्फिनाइट अबंडेंस आने वाले। मैं ये चीज़ यहाँ पर कह सकती हूँ, आपके पास जो चीज़ें आ रही है ना वो अनंत रूप लेकर आ रही है, ठीक है, वाओ जब ही आया तभी मैं समझ गई, ऐसा नहीं है आज आया कल ख़त्म, परसों आया नरसों ख़त्म, 6 महीने साल भर रहे भी ख़त्म, जो भी चीज़ें आएंगी वो संपूर्णता का रूप लेकर आएंगी आपके पास, ठीक है। हो सकता है आज से ही आपका लकी डे स्टार्ट हो गया है, सावन का पहला दिन है आज, सोमवार का फास्ट रखा होगा, आप सभी ने फास्ट रखा होगा आज मंडे में, मंडे का मैंने भी रखा है। ओके वह नहीं सुधरेंगे इसीलिए परमेश्वर को एक बहुत बड़ा कदम उठाना ही होगा। मैंने क्या कहा था, कुछ लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर रोका टोका जा रहे हैं उन लोगों को कि इनसे पंगा मत लो, ये परमेश्वर के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, नहीं सुधर रहे हैं तो परमेश्वर कुछ ऐसा कदम उठाने वाले, कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें इस बात को पछताना पड़ेगा कि आपके साथ उन्होंने पंगा लिया, ठीक है। हो सकता है उनके कर्म ही ऐसे कुछ उन्होंने कर दिए हैं, तो सबको अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं, तो यहाँ पर डिवाइन उनके लिए कुछ बड़ा स्टेप लेना चाह रहे हैं, अगर नहीं सुधरेंगे तो उनकी खैर नहीं, मैं तो यही करूँगी सुधर जाओ, ठीक है, यही दुआ मंगाऊँगी कि किसी का कोई बुरा मत करो, बुरा करते हो आगे आपको इतना कुछ भुगतना पड़ेगा कि आप, डिवाइन बहुत कुछ भी वो कहते नहीं हैं लेकिन जब वो आ जाते हैं ना क्रोध रूप में, रुद्र रूप में, तो बहुत कुछ आपका कर देंगे, तो आप कभी किसी का बुरा मत करो, किसी का ऐसा स्पेल वगैरह जादू टोना करके थोड़े दिनों के लिए उसको हार्म करके आपको खुशी मिलती है, आपको संतुष्टि मिलती है, ये सब करना बहुत गलत बात है, ठीक है, बहुत गलत काम कर रहे हो तो ऐसा ना करो। और यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आने वाली है, थैंक यू।